हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं कल अपने लिए खाने के लिए रोल मंगाया था। रोल्स किंग है यहाँ पे नोएडा में, उससे रोल मंगाया था। तो इस तरीके के जो सॉस आते हैं, ये देखिए आप, ये जो लिक्विड पैकिंग मशीन है हमारी, उसी के अंदर आप बहुत आसानी से पैक कर सकते हैं। और ये देखो, उन्होंने एक अपनी मशीन लगा के अपने नाम का रैपर प्रिंट करा के केचप खुद प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से छोटी सी दुकान है इनका, रोल्स किंग का रोल वगैरह, जो चिकन रोल और आपका पनीर रोल वगैरह आता है, वो आउटलेट है। तो उस आउटलेट में उनका इतना ज़्यादा कंजप्शन हो गया कि उन्होंने खुद की मशीन लगा ली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको पैकेजिंग करके, जो इतने जो खुद मशीन नहीं लगा सकते। आप एक मशीन लगा के ऐसे जितने भी रोल वाले हैं, बर्गर वाले हैं, समोसे वाले हैं, चटनी वाले हैं, जिनको नीड होती है इन सॉस की, आप दे सकते हैं उनको पैक करके। चलिए, इसको रखते हैं साइड में। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं बात करने आया था, उस पर बात कर लेते हैं। आप लोग को लगता है कि मैं कमेंट में पढ़ता नहीं हूँ, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, जो ज़रूरी होता है उस पर वीडियोज़ भी बनाता हूँ आप लोगों के लिए। कल मैंने 2-3 कमेंट देखे, सर हम बिहार से आए थे, आप काली बुलेट लेके निकल गए, हमसे बात नहीं किए। देखिए, आप लोग जो यहाँ पे आते हो, मेरी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा आप लोग। यहाँ जो आप लोग आते हो, मैं कोई हीरो यहाँ नहीं बैठा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सेल्फी खिंचवाने के लिए या फिर ऑटोग्राफ देने के लिए बैठा हूँ। और बिजनेस जो आप लोगों का हाथ पकड़ के मैं मार्केट में जाके बिजनेस नहीं कराऊंगा, मैं खुद बिजनेस करता हूँ। तो वीडियोस बना के उसके माध्यम से आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आते हो, इतने सारे लोग बैठे हुए, वो आपको सामान देंगे, सब कुछ देके आप लोग का बिजनेस स्टार्ट कराएंगे। मैं मुझसे क्या लोगे आप लोग, मैं आप लोगों का काम स्टार्ट कराने बिहार जाऊंगा या फिर वहां जाके दुकान आप लोगों के साथ सामान बेचूंगा। तो ये जो कमेंट आप लोग कर देते हो, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। और उस दिन जो मैं था, अपनी वाइफ को मैं दवाई दिला के डॉक्टर के पास से लेके आया था और फिर लेके तुरंत घर गया। आप लोगों को इन चीज़ों से कुछ लेना देना तो होता नहीं है, बस आ जाओगे। यहाँ पे जब आप लोग आते हो तो अपने पर्पज़ को लेके आया करो। मुझसे मिलना क्या पर्पज़ है, अगर मैं आप लोगों से मिलने लगूंगा एक वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल माइंड मत करिए, मैं इतने एरोगेंस में या वैसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ना मेरी औकात है हीरो बनने की, ना मुझे बनना है। मैं जो चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, उस चीज़ों से अगर किसी का भला होता है, ताकि मैं मर जाऊँ, मेरे मरने के बाद ही मेरे वीडियोज़ से लोग फ़ायदा, मैं मर जाऊँगा तो आप लोग किससे आके मिलोगे। आप लोगों को सामान चाहिए ना, कंपनी चलती रहेगी, आप लोग को सामान दिया जाएगा, जो हमसे जितना हो सकेगा, जो हमारी औकात है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्डर देते हैं, फिर आप लोग उलझाया मत करो, सुलझे हुए रहोगे तब दुनिया में कुछ अपना नाम कर पाओगे और किसी के काम आ पाओगे आप लोग। मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद भी लोगों का काम आती रहे, मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहे। तो आप लोग उस चीज़ को अन्यथा मत लेके जाया करो कि मुझसे ही मिलना है, मैं कोई नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। 2-4 चीज़ें मुझे आती है, वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप लोग के समझ में आए हो। तो कमेंट करने से पहले कुछ सोच लिया करिए आप लोग कि क्या कर रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं या विदेश से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक मशीनें जाती हैं। जो पर्पज़ है वो सॉल्व होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देके आप लोग को मैं समझाता हूँ। अब गीता और कुरान होता है, वो किस लिए होता है, वो मैसेज के लिए होता है। लोग क्या करते हैं, उनको कपड़े में लपेट के ऊपर रख देते हैं, उसको चूमते हैं, चाटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो उसके उपदेश हैं उस पर कोई नहीं आता। आप गीता कुरान को खूब मोहब्बत करो, लेकिन जो उसमें लिखा गया उसको फॉलो नहीं करोगे, किस काम का है। तो जो चीज़ बता रहा है उसको फॉलो करिए आप लोग, वो आप लोगों के काम आना है, वो इंसान आप लोगों के काम नहीं आएगा। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।